डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी यानी कि जो एक सीरीज हमने स्टार्ट किया है आपको स्टार्टिंग का, जिसका वीडियो एक वीडियो आपके सामने आ चुका है, फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी। ये फंडामेंटल कंसेप्ट इन बायोलॉजी में एक वीडियो आपको मिल चुका है जिसमें हमने सिंपली इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी बताया कि बायोलॉजी में यूज होने वाले 99% वर्ड्स ग्रीक वर्ड होते हैं या लैटिन वर्ड होते हैं। बायोलॉजी खुद दो ग्रीक वर्ड का बना है, बायोस और लोगस। बायोलॉजी का डिफिनेशन बताया, बायोलॉजी के फादर का चर्चा किए एरिस्टोटल साहब का, उन्हीं को फादर ऑफ जूलॉजी बोलते हैं। उन्होंने एक बुक लिखा है स्टूडिया एनिमेलिया। फिर उसके बाद उनके जो शिष्य थे, उनके जो चेले थे, ठीक है, थियोफ्रास्टस साहब, उनको बोला जाता है फादर ऑफ बॉटनी। फिर उसके बाद हमने आपको बताया था लास्ट में कि लुईस पाश्चर साहब को बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। इनको बोलते हैं लुईस पाश्चर को, और लुईस पाश्चर को फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी इसलिए बोलते थे क्योंकि उनके फाइव टू सिक्स डिफरेंट कंट्रीब्यूशंस थे, इसलिए उनको बोलते थे फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ओके, ये हमारा फर्स्ट लेक्चर वीडियो था जो हमने आपको पहले ही, ठीक है, दे दिया है। अब जो सेकेंड वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग आज पढ़ेंगे 20 इम्पॉर्टेंट कॉमन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ये 20 इम्पॉर्टेंट कॉमन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का मतलब क्या है, ठीक है? अर्थात कॉमन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी का मतलब ये होता है कि वैसा ब्रांच जो बॉटनी के लिए भी हो, जूलॉजी के लिए हो, जो प्लांट के लिए भी अप्लीकेबल हो, जो एनिमल के लिए भी हो, ठीक है, उसको बोलते हैं कॉमन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। तो जितने भी ब्रांचेज यहाँ पे होंगे उस सब में हम ये बात जरूर लगाएंगे, ये बात जरूर अप्लाई करेंगे, उनके डिफिनेशन में ये बात जरूर लिखेंगे, इट इज ए कॉमन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ठीक है? तो हम लोग 20 कॉमन ब्रांचेस को पढ़ेंगे इस वीडियो में। ओके, तो कहता है फर्स्ट जो कॉमन ब्रांच है वो है आपका टैक्सोनॉमी। क्या है? टैक्सोनॉमी। जो फर्स्ट कॉमन ब्रांचेज है वो है टैक्सोनॉमी। फर्स्ट कॉमन ब्रांच है वो आपका क्या है? टैक्सोनॉमी। ये टैक्सोनॉमी बायोलॉजी की तरह ही दो ग्रीक वर्ड के मिलने से बना है, ठीक है? एक ग्रीक वर्ड है जिसे इसको आप स्प्लिट करेंगे तो टैक्सो जिस ग्रीक वर्ड से बना है वो है टैक्सिस, और नॉमी जिस ग्रीक वर्ड से बना है वो है नॉमस, ठीक है? टैक्सिस का मतलब होता है अरेंजमेंट। टैक्सिस का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, ठीक है? और नोमस का मतलब होता है लॉ, ठीक है? नोमस का मतलब क्या होता है? लॉ, यानी कि लॉ ऑफ अरेंजमेंट। किसी भी चीज को अरेंज करने का तरीका, किसी भी चीज को, ठीक है, अरेंज करके पढ़ने का तरीका, ठीक है? तो कहता है कि ये हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो इसमें ऑब्वियसली हम प्लांट और एनिमल को एक स्पेसिफिक मैनर में उसको अरेंज करके पढ़ेंगे। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल आपको, जब मैं लाइव क्लास ले रहा होगा तो मैंने एक एग्जांपल दिया था कि एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जा रहा है, मुझे ये पता चला कि उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स में हमारे भी स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट हमारे कोचिंग के स्टूडेंट हैं, डिफरेंट क्लासेस के, और मैं ये जान रहा हूँ कि जो स्टूडेंट का ग्रुप जा रहा है उस पर आगे जाके लाठी चलेगी, ठीक है, गोलियां भी चल सकती है, उनके साथ पुलिस सख्ती करेगी क्योंकि वो लोग थोड़ा सा आउट ऑफ वे जाके प्रदर्शन कर रहे हैं किसी मुद्दे को लेकर। तो अब हम क्या करेंगे, पहले उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जो कि उस मूवमेंट में जा रहा है, उस ग्रुप ऑफ मूवमेंट को हम पहले क्या करेंगे? देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे। यानी सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है? सबसे पहला काम हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, ये ऑब्जर्वेशन का काम सबसे पहले करेंगे। फिर मतलब उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट पूरे के पूरे जिसमें हमें पता नहीं कि हमारा स्टूडेंट कहाँ पे है, ठीक है, तो पहले उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को, मूवमेंट को, ठीक है, जो स्टूडेंट का मूवमेंट है उसको मैं बहुत गौर से देखूंगा, बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद उसमें मैं उस ग्रुप में अपने स्टूडेंट को पहचानूंगा, ठीक है? दैट इज कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन, ठीक है? आइडेंटिफिकेशन हो गया, उसके बाद, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के बाद तब क्या है कि आइडेंटिफाई करने के बाद हम अपने स्टूडेंट को नाम से पुकारेंगे। हम अपने स्टूडेंट को क्या करेंगे? नाम से पुकारेंगे, ठीक है?
तो नाम से जब पुकारेंगे दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, दैट इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर, उसको बोलेंगे नोमेनक्लेचर। उसको क्या बोलेंगे? नोमेनक्लेचर, यानी ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर। और जब नाम से हमने पुकारा, ठीक है, सारे बच्चे हमारे पास आ गए, मान लिया हमने 20 बच्चों को नाम से पुकारा, क्योंकि 20 बच्चे ही हमारे वहां पे इन्वॉल्व थे। अब उस बच्चे में हमने पूछना है कि हाँ जी तुम किस में पढ़ते हो, ठीक है, तुम किस में पढ़ते हो, ठीक है, नाम से हमें पुकारना है, ठीक है, कि रिया आप किस में पढ़ते हो, ठीक है, मनप्रीत आप किस में पढ़ते हो, तनवीर आप किस में पढ़ते हो, ठीक है, आकाशदीपी आप किस में हो, गुरलीन आप किस में हो, परनीत आप किस में हो, जोया आप किस में हो, ऐसे करके मैंने सारे बच्चों को बुला लिया पास में, ठीक है। और सारे बच्चों को जब हम पास बुला लिए तो उन्होंने बोला कि मैं इस क्लास में हूँ, मैं इस क्लास में। तो मैंने क्या किया, 20 बच्चों को बुला के पहले उस 20 बच्चों को हमने क्या किया, ऑब्जर्व करके खोजा, उसके बाद क्या किया, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई किया कि नहीं यही यही बच्चे हैं, ठीक है, ऑब्जर्वेशन यानी कि जुलूस को मैंने देखा, फिर आइडेंटिफाई किया, फिर उसको नाम से पुकारा, फिर जब आ गए तो उनको अलग अलग क्लास में हमने बैठा दिया। यानी कि हमने लास्ट में क्या किया, हमने किया क्लासिफिकेशन, हमने क्या किया क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन जब हमने किया, ठीक है, तब जाके वो स्टडी के लिए क्या हुए, ठीक है, और अलग अलग क्लास में हमने बैठा दिया, बिल्कुल मतलब जो अभी प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उसको देखते हुए अलग अलग क्लास में मैंने बैठा दिया। और अलग अलग क्लास में ही बैठाया, अलग अलग बेंच पे बैठाया, सोशल डिस्टेंसिंग का हेल्प लेते हुए मैंने उनको अलग अलग बैठाया, ठीक है, विद मास्क, ठीक है, और फिर स्टडी शुरू करवाई। तो ठीक इसी तरह से ये चारों काम अगर आप उस ग्रुप ऑफ स्टूडेंट के साथ ना करके, ठीक है, अगर आपके सामने एकदम ग्रुप ऑफ प्लांट्स और ग्रुप ऑफ एनिमल का पूरा ढेर लगा दिया जाए और उसको कहे कि आप स्टडी करने तक पहुंचिए, यानी उसको क्लासिफाई करके स्टडी करके जनता को समझाइए, तो आपको इसी चारों स्टेप की सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर यही चारों काम आप प्लांट और एनिमल के साथ करते हैं, प्लांट्स और एनिमल के साथ करते हैं, प्लांट्स और एनिमल के साथ करते हैं यही चारों काम, ठीक है, अगर आप प्लांट्स और एनिमल के साथ करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे यही चारों काम, तो हम लोग बोलेंगे टैक्सोनॉमी। यानी टैक्सोनॉमी, अच्छा कॉमन ब्रांच है तो आप टैक्सोनॉमी लगाइए, साल से लगाइए, और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, टैक्सोनॉमी इज द कॉमन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, इज द कॉमन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, कॉमन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच, बायोलॉजी इन विच, ठीक है, इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ, ऑल टाइप्स ऑफ, ठीक है, इन विच स्टडी अबाउट, सॉरी, इन विच स्टडी अबाउट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनी एनिमल, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज द कॉमन ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एनी प्लांट और एनी एनिमल इज नोन एज टैक्सोनॉमी, क्लियर। टैक्सोनॉमी में हम यही चार काम करते हैं, ठीक है, यही चार काम करते हैं टैक्सोनॉमी में, ठीक है। तो अब सवाल उठता है कि इस टैक्सोनॉमी पे पहला वर्क, पहला ऑथेंटिक वर्क किनका था, कहते हैं इस टैक्सोनॉमी पे पहला ऑथेंटिक वर्क जो था वो था कैरोलस लिनियस का, किनका था, कैरोलस लिनियस का, ठीक है, कैरोलस लिनियस का, ये जानिए कैरोलस लिनियस का बहुत बड़ा योगदान है। और ये कैरोलस लिनियस को हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, इनको बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, क्लियर। कैरोलस लिनियस को हम लोग क्या बोलते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। कोई अगर पूछेगा, ठीक है, कि जो कैरोलस लिनियस साहब हैं, ठीक है, इनका क्या क्या योगदान है, इनके कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है, इन्होंने दुनिया को दिया टू किंगडम,
बायोलॉजी की दुनिया को दिया टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम इन्होंने दिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर, बायनोमियल नोमेनक्लेचर इन्होंने दिया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम, क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है, इसको भी पूरा ही लिख दीजिए, क्लासिफिकेशन सिस्टम, ठीक है। कहते हैं इन्होंने जेनरा प्लेंचुरम, जेनरा प्लेंचुरम, प्लेंचुरम और स्पेसीज प्लेंचुरम बुक भी लिखा, स्पेसीज प्लेंचुरम बुक भी लिखा, ठीक है, इतना योगदान है इनका, ठीक है। कैरोलस क्लीनियस, और जान जाइए कैरोलस क्लीनियस साहब बायनोमियल नोमेनक्लेचर देने से पहले जो इनका नाम था, ठीक है, वो नाम इनका अलग था, उन्होंने अपना नाम भी दो वर्ड का कर लिया बायनोमियल नोमेनक्लेचर को देने से पहले। उनका नाम था कार्ल वॉन लीनी, तीन वर्ड का नाम था, बट ये दुनिया को उपदेश देने से पहले ये जब बताना शुरू किए कि हर प्लांट और हर एनिमल का नाम दो वर्ड का ही होना चाहिए, इन्होंने सबसे पहले अपना नाम चेंज कर लिया, अपना नाम तीन वर्ड से कर लिया दो वर्ड का, कैरोलस क्लीनियस। तब ये अपने आप को समझ रहे थे कि नहीं, अब मैं भाषण देने के लायक हूं कि दुनिया के किसी प्लांट और दुनिया के किसी एनिमल का नाम, बायोलॉजिकल नाम दो वर्ड का ही होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में बायोलॉजिकली बायनोमियल नोमेनक्लेचर के अनुसार किसी भी प्लांट और किसी भी एनिमल का नाम दो वर्ड का ही होना चाहिए, ये आप पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर में आप पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें पहले वर्ड को क्या बोलेंगे जीनस, दूसरे वर्ड को क्या बोलेंगे स्पीसीज, जीनस कैपिटल लेटर से, स्पीसीज सेकेंड स्मॉल लेटर से, जीनस फर्स्ट पोजिशन पे हमेशा, स्पीसीज सेकेंड पोजिशन पे हमेशा, ठीक है, ये सब आप पढ़ेंगे। बायनोमियल नोमेनक्लेचर का थ्योरी यही है जो 10th एडिशन में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, किन्होंने किसके 10th एडिशन में, मतलब जो बुक है सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, उसमें, यानी कि इन्होंने एक और बुक भी लिखा, एक और बुक लिखा, उसका नाम क्या है सिस्टेमा नेचुरी, यानी कि इनका इनके बुक का क्या नाम है सिस्टेमा नेचुरी, सिस्टेमा नेचुरी, ठीक है, नेचुरी। और इस बुक में इन्होंने किसका चर्चा किया है बायोलॉजी नेचुरी का, ये सारे पॉइंट्स को आप लिख लेंगे। लेकिन कहा था इंडिया में, इंडिया में टैक्सोनॉमी के ऊपर जो सबसे पहला साइंटिस्ट थे जिन्होंने अटेम्प्ट किया, उनका नाम था सेंटा पॉल, तो इनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी। ये जो टैक्सोनॉमी टर्म है, ये जो टैक्सोनॉमी टर्म है, ये दिया था, ठीक है, इन्होंने डी कैंडॉर, डी कैंडॉर। रिकॉर्ड बात बता दूं, ये टैक्सोनॉमी जो है इसको आज के डेट में इसके लिए एक टर्म यूज होता है नियो सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स, नियो सिस्टमैटिक्स। ये जो नियो सिस्टमैटिक्स टर्म है, सिस्टमैटिक्स, ये किसने दिया, नियो सिस्टमैटिक्स जिसने दिया उसका नाम है, ठीक है, हक्सले, क्या नाम है हक्सले, ठीक है, नियो सिस्टमैटिक्स जो साइंटिस्ट ने दिया उसका नाम है हक्सले। हक्सले का नाम आप बहुत बार सुनेंगे आगे जाके, ठीक है। हक्सले ने बर्ड्स को बोला था ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, हक्सले ने बर्ड्स को क्या बोला, ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, ठीक है, हक्सले ने बर्ड्स को बोला था ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स, क्लियर, नंबर वन बात। हक्सले ने प्रोटोप्लाज्म को बोला था फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ये दोनों पॉइंट आप नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख ही लीजिए, यही नोट करके लिखिएगा ये सब चीजें, ठीक है, जैसे ये बात नोट में लिखिएगा कि इतना कंट्रीब्यूशन था, ठीक है, ये बात नोट करके लिखिएगा सिस्टेमा नेचुरी, ये बात नोट करके लिखिएगा डी कैंडॉल वाला, ये बात नोट करके लिखिएगा, ठीक है, ये बात नोट करके लिखिएगा, फिर ये भी लिख दीजिएगा कि हक्सले का दो कंट्रीब्यूशन और है, कौन कौन, क्या बोलिएगा हक्सले के बारे में, उन्होंने बोला था प्रोटोप्लास्ट इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, ठीक है, और इन्होंने बोला था बर्ड्स आर ग्लोरीफाइड रेप्टाइल्स। ये पॉइंट जरूर नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
नीट के क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। अब जाके हम इसको, ठीक है, इस पार्ट को हम लोग खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए कि अगर पूरा डिटेल बताया जाए तो एक एक ब्रांच में लगभग 10-10-12 मिनट टाइम लगते हैं। ओके, चलिए देखते हैं जितना हो सके। हमें इसमें जो भी वीडियो बनानी है वो 30-40 मिनट की वीडियो बनानी है। ठीक है, तो उसमें जितना ये हो सकता है ये करेंगे, ज़्यादा लंबा वीडियो भी नहीं बनाएंगे। 35-40 यही वीडियो का लेंथ रहेगा, 30-35-40। जितने ब्रांचेज आ रहे हैं फिर दूसरा पार्ट कर देंगे। चलिए देखते हैं, मिटा दूँ, आप नोट कर लेंगे। देखिए दूसरा ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। ये जो मॉर्फोलॉजी है इसके बारे में ये कहते हैं मॉर्फोज। मॉर्फोज का मतलब होता है एक्सटर्नल। ठीक है, मॉर्फोज का मतलब, पहले मॉर्फोज लिख दूं, मॉर्फोज का मतलब एक्सटर्नल। ठीक है, और लॉजी वही, लॉगस मतलब क्या, स्टडी। तो आप क्या बोलेंगे, ठीक है, कहते हैं स्टडी ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्सटर्नल फीचर ऑफ एनी प्लांट और एनी एनिमल इज नोन एज क्या बोलेंगे, मॉर्फोलॉजी। और इसका कोई स्पेशल इनके बारे में बताने वाले कोई साइंटिस्ट नहीं थे, इनका कोई मदर फादर नहीं है, बिल्कुल लवारिस है। तो आप इनको इसी रूप में इंजॉय कीजिए, मॉर्फोलॉजी। ठीक है, चलिए अब देखिए तीसरा ब्रांच क्या है, एनाटॉमी। ठीक है, एनाटॉमी कहता है, ये एनाटॉमी जो है, ठीक है, ये क्या है, यहां पे था एक्सटर्नल फीचर और यहां पे आपको बोलना है इंटरनल फीचर। यानी देखिए एना मतलब होता है इंटरनल। एना का मतलब है इंटरनल और टोमी का मतलब है टू कट। किसी भी आदमी का, जैसे मान लिया आप लोग क्लास में भी बैठे हुए, अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि आप में से किसी का भी मुझे हर्ट की स्ट्रक्चर देखनी है अंदर की, ठीक है, यानी कि हर्ट को काट के देखना है, ठीक है, कि हर्ट के अंदर ट्राइकस्पिड वाल्व कहाँ पे है, बाइकस्पिड वाल्व कहाँ पे है, या किसी भी एनिमल का, तो बताइए, आप कहिएगा सर किसी भी एनिमल को का हर्ट मैं आपको दिखा सकती हूँ, बशर्ते कि आप मुझे डिसेक्शन बॉक्स दीजिए, उसको काटने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो होता है रिक्वायर्ड वो दीजिए। तो आप सबसे पहले इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए आप क्या करते हैं, सेक्शन कटिंग करते हैं, चाहे आप लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटते हैं, चाहे आप ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं, ठीक है, कुछ भी काटते हैं, लेकिन आप उसको काटते हैं फिर देखते हैं। ठीक है, तो कहता है कि इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए, ठीक है, आप क्या करते हैं, तो इंटरनल स्ट्रक्चर को देखने के लिए आप उसका सेक्शन काटते हैं। ठीक है, फिर आपको पता चलता है कि हाँ उसमें क्या है नहीं है। ठीक है, तो कहता है कि उसके लिए हमें काटने का कोई इंस्ट्रूमेंट, यानी टोमी मतलब काटना, टू कट, यानी काटना जरूरी है, तब उसके अंदर का हमें स्ट्रक्चर दिखेगा कि भाई कौन सा ऑर्गन कहाँ पे है। ठीक है, फिर भी अभी उसमें हमें टिश्यू नहीं दिखेगा, ठीक है, ये चीज दिखेगा। तो कहता है पहले तो मैं ये लिख दूं, ठीक है, स्टडी ऑफ, ठीक है, क्या बोलेंगे, ऑल टाइप्स ऑफ, ठीक है, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ठीक है, शॉर्ट में लिख देता हूं, आप समझ जाइए, प्लांट एनिमल बाय सेक्शन कटिंग। ठीक है, बाय सेक्शन कटिंग, क्लियर है पॉइंट। अब देखिए चौथा जो ब्रांच है, ठीक है, फोर्थ जो ब्रांच, ठीक है, वो क्या है, कहते हैं फोर्थ जो ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। क्या है, हिस्टोलॉजी।
अब देखिए यहाँ पे हिस्टोलॉजी, यानी ये तो और अंदर की बात है, उसमें तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर को देख रहे थे, अब इसमें तो हम क्या करेंगे मालूम है, उस स्ट्रक्चर के अंदर में, उस इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर में, उस ऑर्गेन के अंदर में कौन सा टिश्यू है, टिश्यू का अरेंजमेंट क्या है, टिश्यू के अंदर सेल का अरेंजमेंट क्या है, ठीक है, अगर प्लांट है तो परमानेंट टिश्यू है या मेरिस्टमेटिक टिश्यू है, अगर एनिमल है, ठीक है, अगर एनिमल है तो उसमें एपिथेलियल टिश्यू कहाँ पे है, कनेक्टिव टिश्यू कहाँ पे है, मस्कुलर टिश्यू कहाँ पे है, नर्वस टिश्यू कहाँ पे है, ये सब का अरेंजमेंट क्या है, यानी सारा कुछ टिश्यू के बारे में जानकारी लेना है। तो बताइए टिश्यू का भी स्टडी करेंगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सेक्शन ही काटना पड़ेगा, और सेक्शन काट लिए फिर उस ऑर्गेन को हम काटेंगे और फ्लूइड उसके अंदर भी ऐसे खुली आंख से नहीं दिखाई पड़ेगा, माइक्रोस्कोप लगाने पड़ेंगे, इसलिए हिस्टोलॉजी को हम लोग माइक्रो एनाटॉमी भी बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हिस्टोलॉजी को क्या बोलते हैं, माइक्रो एनाटॉमी। पहले मैं ये लिख दूं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड आप भी लिख लीजिएगा अपने नोट्स में, इट इज ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो एनाटॉमी। ये माइक्रो एनाटॉमी कहलाता है, ठीक है, क्यों कहलाता है माइक्रो एनाटॉमी, और इसको माइक्रो एनाटॉमी कहने वाले साइंटिस्ट जो थे वो थे मार्सेलो मालपीजी, ठीक है, इसीलिए, ठीक है, इनको हम लोग फादर ऑफ एनिमल हिस्टोलॉजी की बोलते हैं, ठीक है, तो मैं बता दूं उनके बारे में, ठीक है, ये हिस्टोलॉजी में हम किसका स्टडी कर रहे हैं, हिस्टोलॉजी में हम स्टडी कर रहे हैं किसका, टिशू का, ठीक है, टिशू के ऑरिजिन का, टिशू के अरेंजमेंट का, टिशू के फंक्शन का, ठीक है, क्लियर, इनका स्टडी। तो कहते हैं इसमें प्लांट हिस्टोलॉजी भी होगा और इसमें एनिमल हिस्टोलॉजी भी होगा, प्लांट हिस्टोलॉजी भी होगा और एनिमल हिस्टोलॉजी भी होगा। कहते हैं जो प्लांट हिस्टोलॉजी है, ठीक है, ये जो प्लांट हिस्टोलॉजी है इसके फादर है ग्रीन, और जो एनिमल हिस्टोलॉजी है इसके फादर है वही जो अभी बताया मार्सेलो मालपीजी। और ये हिस्टोलॉजी टर्न जो है ये दिया है मेयर नाम के साइंटिस्ट ने, इसने दिया है मेयर, और इसमें स्टडी किसका करते हैं, टिशू का। तो कहता है टिशू टर्म वाज गिवन बाय नेगली इन प्लांट, और टिशू टर्म वाज गिवन बाय, ठीक है, ऑल्सो गिवन बाय बिकेट इन एनिमल, याद रखिएगा। और कोई पूछेगा व्हाट इज टिशू, तो आप कहिएगा टिशू इज द ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सेम इन ऑरिजिन, सेम इन फंक्शन, सेम इन स्ट्रक्चर, ठीक है, टिशू ऐसे सेल का ग्रुप है जिसका ओरिजिन भी सेम हो, स्ट्रक्चर भी सेम हो, फंक्शन भी सेम हो, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टिशू। यहां तक क्लियर है, उसको हम लोग बोलेंगे टिशू। और ये जानिए कि टिशू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुरुआत कहां से हुई है, निडारियन से, उसके पहले पॉलीफेरा, पॉलीफेरा में ग्रुप ऑफ सेल तो है बट वो टिशू नहीं बन पाया, ग्रुप ऑफ सेल है, डिफरेंट ऑरिजिन है उसका, डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है, यानी वो ग्रुप ऑफ सेल है बट वो टिशू नहीं बन पाया। क्यों नहीं बन पाया, यानी वो पॉलीफेरा को हम लोग, ठीक है, यानी कि पॉलीफेरा की बात अगर करें, ये नोट करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है, जो पहला फाइलम है पॉलीफेरा, कहता है पॉलीफेरा में ग्रुप ऑफ सेल तो है, ग्रुप ऑफ सेल है, ठीक है, बट नॉट टिशू, वहां पे क्या है, वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है, वो मल्टी सेलुलर है, और कहता है कि वहां पे है सेल एग्रीगेट बॉडी प्लान है, ठीक है, यानी कि वहां पे सेलुलर लेवल ही है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेलुलर लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो कहता है कि टिशू लेवल का बॉडी, उसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है, टिशू लेवल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है, वाज फर्स्ट फर्स्ट एपियर इन, एपियर इन क्या बोलेगा, गिगारियंस, गिगारियंस एंड देन टीनोफोरस, 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 और दोनों को मिला के आप क्या बोलते हैं, दोनों को मिला के बोलते हैं सिलेंट्रेट्स, दोनों को मिला के बोलते हैं सिलेंट्रेट्स, सिलेंट्रेट्स, ठीक है। स्पेलिंग कहीं कहीं गलत हो सकता है, माफी चाहूंगा उसके लिए, मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता, ठीक है, शुरू से आदत है, उसके लिए सॉरी। अब देखिए कंसेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कहता है कि जो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन है फर्स्ट एपियरिंग, ये नीट का क्वेश्चन है, और पॉरीफेरा में भी नीट का क्वेश्चन ये छुपा हुआ है कि पॉरीफेरा में ग्रुप ऑफ सेल है बट क्या वहां टिश्यू है, कहेंगे नहीं, पॉरीफेरेंस बॉडी आर मल्टी सेलर बट नॉट फॉर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर है। तो चलिए ये आपका था हिस्टोलॉजी, क्लियर है पॉइंट, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं पांचवा, ये क्लियर हो गया, चलिए आप चलिए पांचवा नंबर कहते हैं, पांचवा नंबर जो है, ठीक है, ये जो पांचवा नंबर है ब्रांच है वो है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, कहता है इट इज ऑल्सो कॉमन ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, इट इज ऑल्सो कॉमन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी, इन विच वी स्टडी अबाउट, इन विच वी स्टडी अबाउट ऑल टाइप्स ऑफ वाइटल एक्टिविटी ऑफ एनी प्लांट, वाइटल एक्टिविटी अकर्स inside the any plant, occurs inside the any plant or animal body, ठीक है। लाइक अगर प्लांट की बात करें तो क्या होगा, transport of water, ठीक है, ट्रांसपिरेशन, ठीक है, ग्रेटेशन, फोटोसिंथेसिस, रिस्पिरेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट, ठीक है। अगर एनिमल की बात करें तो डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, रिस्पिरेशन, ठीक है, कहते हैं लोकोमोशन, ठीक है, कहते हैं कि एक्सक्रीशन, फिर कहते हैं एक्सक्रीशन के बाद नर्वस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, इंडोक्राइन पाथवे। अगर एनिमल बॉडी है, हमारा आपका बॉडी है, तो कहते हमारे आपके बॉडी में ये जितने फंक्शन है सब वाइटल एक्टिविटी में आते हैं, किसमें आते हैं, सब आते हैं किसमें, वाइटल एक्टिविटी, सारे के सारे वाइटल एक्टिविटी में आते हैं एनिमल में, और प्लांट में ये सब आते हैं, यानी कि किसी भी प्लांट और एनिमल के अंदर जितनी वाइटल एक्टिविटी होती है उनका जो स्टडी होता है दैट इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। यानी कि अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे, कोई पूछेगा क्या पढ़ रहा है, और अगर आप ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं तो आप मजे में बोलिएगा, शान से बोलिएगा, ठीक है, कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, रिस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तब भी ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक्सक्रीशन पढ़ रहे हैं तब भी ह्यूमन फिजियोलॉजी, लोकोमोशन मूवमेंट पढ़ रहे हैं तब भी ह्यूमन फिजियोलॉजी, हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, नर्वस सिस्टम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, इंडोक्राइन सिस्टम पढ़ रहे हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं,
ठीक है, क्लियर है पॉइंट? बट आप अगर ह्यूमन किस फाइलम में आता है, कॉर्डाटा में आता है, किस क्लास में आता है, तो आप वो नहीं पढ़ रहे, आप डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल पढ़ रहे, आप क्लासिफिकेशन पढ़ रहे, ठीक है, आप हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप टिश्यू पढ़ रहे हैं ह्यूमन के अंदर का, एपिथेलियल टिश्यू, नर्वस टिश्यू, तो आप ह्यूमन हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो ये सब चीजें पूरा पता होना चाहिए, क्लियर है पॉइंट? तो ये सारा कुछ हमारा क्या है, ये सब कुछ हमारा वाइटल एक्टिविटी है, वाइटल एक्टिविटी है। इससे रिलेटेड एक दो साइंटिस्ट का नाम आपको जानना जरूरी है। एक थे स्टीफन हेल्स, स्टीफन हेल्स, ये जो स्टीफन हेल्स साहब थे, इनको बोला जाता है फादर ऑफ ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी, ओके, फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। और जेसी बोस हो गए, उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, क्लियर, ठीक है। ये याद रखिए, ये इन्होंने पल्सेशन थ्योरी भी दिया था, पल्सेशन थ्योरी भी दिया था, बोलिए, ये इन्होंने पल्सेशन थ्योरी भी दिया था। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप नोट कर देंगे, ठीक। अब देखिए कहते हैं अगला ब्रांच, ठीक है, अगला ब्रांच जो आपका है वो है साइटोलॉजी, और इसी के साथ एक और ब्रांच लिखेंगे वो है सेल बायोलॉजी, ठीक है। तो कहता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, इन दोनों में ये फर्क है, मैंने आपको लाइव क्लास में एग्जांपल में भी समझाया होगा कि अगर मैंने दो स्टूडेंट के अपने पास बुलाया और एक स्टूडेंट का मैंने सिर्फ नाम पूछा, व्हाट इज योर नेम, और मैंने पूछा कि क्लास आपका क्या है, दोनों उसने बता दिया, और मैंने सिर्फ अपने कोचिंग क्लास में उसको एंट्री दे दी, ठीक है, तो मैंने नाम पूछा, क्लास पूछा, एंट्री दे दिया। दूसरा बच्चा आया, उसको मैंने उसका नाम पूछा, उसका क्लास पूछा, उसके मम्मी का नाम पूछा, उसके पापा का नाम पूछा, फिर मुझे याद आया कि उसके बहन या भाई को भी मैंने पढ़ाया, फिर उसका नाम पूछा, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, घर गांव में अभी रह रहा है या शहर में रह रहा है, शहर आ चुका है, मतलब पापा की नौकरी, प्रमोशन हुई नहीं हुई, बहन के, सारा कुछ मैंने पूछा। तो कहता है एक सेल के अगर सिर्फ स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी, बट अगर सेल के स्ट्रक्चर फंक्शन के साथ साथ उसके मोड ऑफ डिविजन, उसके अंदर के डिफरेंट ऑर्गेनेल में जो वाइटल एक्टिविटी चलते रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसमें सेलुलर डिस्पर्शन चल रहा है, क्लोरोप्लास्ट है तो उसमें फोटोसिंथेसिस चल रही है, अगर आप सब कुछ का स्टडी करते हैं, ठीक है, उसके सेल के टैक्सोनॉमी का भी स्टडी करते हैं, यानी कि उसके, ठीक है, मतलब क्लासिफिकेशन का भी स्टडी करते हैं, यूनिन्यूक्लिएट, बाइन्यूक्लिएट, मल्टीन्यूक्लिएट, ठीक है, ये सारी चीजें अगर पढ़ते हैं तो उसको बोलते हैं सेल बायोलॉजी, और अगर सिर्फ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ओके। तो कहते हैं साइटोलॉजी का मतलब स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल। बट कहते हैं स्टडी ऑफ ऑल पॉसिबल एस्पेक्ट्स एंड information about structure, function, ठीक है, mode of division, classification, genetic basis of any cell of plant and animal, किसी भी प्लांट एनिमल के अंदर के किसी भी सेल के बारे में सब कुछ इंफॉर्मेशन जितना पॉसिबल हो सके, ऑल एस्पेक्ट्स में सब कुछ आ गया, अगर कोई छूट भी गया तो सब उसमें आ गया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बायोलॉजी, ठीक है। अगर साइटोलॉजी का कोई फादर पूछेगा, ये जानिए इनका कोई फादर निश्चित नहीं है,
ठीक है, कहा था कि बस एक नाम दे दिया गया कि हाँ भाई रॉबर्ट हुक साहब को बोलना चाहिए, रॉबर्ट हुक साहब को बोलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ही ऑब्जर्व, ठीक है, फर्स्ट सेल, ठीक है, फर्स्ट सेल जिसका ओरिजिनल नाम क्या था, सिल्ला, ठीक है, और ये किसमें देखा था, इन्होंने अपने से बनाया था कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा था किसने, रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने इस बात की पूरी चर्चा की एक बुक में, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया, माइक्रोग्राफिया इन लंदन, माइक्रोग्राफिया इन लंदन एक बुक था जिसमें इन्होंने चर्चा किया है, माइक्रोग्राफिया इन लंदन, ठीक है, इस बुक में इन्होंने चर्चा किया कि इन्होंने क्या देखा, इन्होंने हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को देखा, कहां पे, तो कहता है कि कॉर्क के पीस में, ठीक है, कॉर्क यानी कॉर्क का जो थीनेस्ट पीस निकाला था, ठीक है, एक प्लांट होता है क्वार्कस सुवेल और ओक ट्री, उसके प्लांट के मतलब बार्क में उसका थीनेस्ट पीस बनाया, यानी कॉर्क ऊपर का पोस्ट, बार्क का एक पार्ट होता है कॉर्क, और कॉर्क में उन्होंने कॉर्क का पतला पीस बनाया, सबसे थीनेस्ट पॉसिबल पीस बनाया, उसमें उन्होंने देखा हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर, और हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर को ये लैटिन में बोलते हैं सेला, और ये इंग्लिश के साइंटिस्ट थे, ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, इन्होंने सेला, सेला जो लैटिन वर्ड था उससे इन्होंने निकाला सेल, और इस तरह इनको क्रेडिट जाता है, ठीक है, फर्स्ट सेल को ऑब्जर्व करने का, बट अनफॉर्चुनेटली दैट सेल वॉज नॉट लिविंग सेल, ठीक है, तो कहते हैं लिविंग सेल यानी फर्स्ट, ये क्या था जो ये सेल इन्होंने खोजा, ये क्या था, नॉन लिविंग था, नॉन लिविंग था, क्यों, क्योंकि ये किसमें मिला था, कॉर्क में मिला था, ठीक है, कॉर्क क्या था, कॉर्क क्या होता है, पार्ट ऑफ बार्क, ठीक है, किसका बार्क था, ओक ट्री का, ठीक है, क्वार्कस सुबेर, ठीक है, तो कहा था कि लिविंग सेल के, लिविंग सेल फर्स्ट लिविंग सेल कौन था, तो कहा था इनके एक्सपेरिमेंट के बाद, ठीक है, लगभग 7 साल बाद ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक साहब ने देखा, ठीक है, उसको बोला उन्होंने एनिमल क्यूर, एनिमल क्यूर, ये कहां पे देखे थे ल्यूवेनहॉक, ल्यूवेनहॉक साहब, तो कहता है जो दांत की गंदगी होती है ना उसमें इन्होंने देखा था, तो उसको बोलते हैं टार्टर ऑफ टीथ, मडी वाटर भी बोल सकते हैं, मडी वाटर में भी, ठीक है, आप बोल सकते हैं कि मडी वाटर में इन्होंने देखा, क्लियर पॉइंट, तो मडी वाटर, ठीक है, और टार्टर ऑफ टीथ में इन्होंने देखा, बहुत सारे मतलब घूम रहे थे ऑर्गेनिज्म, तो घूम रहे थे इसलिए घूमने वाले को उस टाइम में विश्वास किया जाता था कि एनिमल है, और चूंकि बहुत माइक्रोस्कोपिक था इसलिए उसके आगे क्यूल लगा दी, क्यूल किसी के आगे लगा हो तो माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल, ठीक है, तो कहता है कि उन्होंने क्यूल लगा दिया तो एनिमल क्यूल हो गया, लेकिन यही एनिमल क्यूल, ठीक है, बाद में जाके लेटर, ठीक है, यही एनिमल क्यूल क्या कहलाया, ये कहलाया बैक्टीरियम, किसके द्वारा, तो कहते एक साइंटिस्ट था हिरेनबर्ग, हिरेनबर्ग, मैंने आपको सारी इंफॉर्मेशन दी, और इस सेल बायोलॉजी का फादर है कॉलिकर, कॉलिकर साहब, ठीक है, वो ये क्लियर है, तो मैं अभी आपको सारा पॉसिबल इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है, टोटल तो ये आपको 7 ब्रांचेज हुआ, ठीक है, टोटल अभी तक 7 ब्रांचेज आपको मैंने बताया, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है, एक ब्रांच और मैं बताता हूं उसके बाद में बात करूंगा, इवोल्यूशन, ठीक है, ठीक है, इवोल्यूशन, पहले मैं इकोलॉजी बताता हूं, इकोलॉजी, इकोलॉजी में हम किसका स्टडी करते हैं, तो कहते हैं इकोलॉजी में हम जो ऑर्गेनिज्म है और उसका जो रिलेशन है किसके साथ, कहते हैं इन्वायरमेंट के साथ, उसको स्टडी में हम मतलब लाते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ, ठीक है, क्या बोलेंगे, द रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन, बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सराउंडिंग, इट्स सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग एंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है, मतलब
एक ऑर्गेनिज्म का उसके सराउंडिंग के साथ, सराउंडिंग में दोनों चीज आ जाते हैं, ठीक है। सराउंडिंग को हम लोग इन्वायरमेंट बोलते हैं, बट इन्वायरमेंट के बारे में बता दूं, ठीक है, इन्वायरमेंट को बोलते हैं सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, ठीक है। मतलब इन्वायरमेंट को बोलते ही है कि सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसके सराउंडिंग में जितने लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट है, उसके साथ उसका क्या रिलेशन है, उस लिविंग सराउंडिंग लिविंग और नॉन लिविंग का इफेक्ट क्या पड़ता है उसके लाइफ स्टाइल पर, उसके हैबिटेट में, ठीक है, उसके रहन सहन पे, उसको हम लोग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी पॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा कम हुआ है तो हम लोग अच्छा फील कर रहे हैं, ठीक है। पॉल्यूशन अगर बढ़ जाए तो दम घुटना शुरू हो जाता है, एस्फाइक्सिया हो जाता है, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो जाती है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ता है। गंदे पानी के कारण, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज हो जाता है। तो कहते हैं हर तरह से इन्वायरमेंट का असर, ठीक है, ह्यूमन पे या किसी भी एनिमल या प्लांट के लाइफ स्टाइल पे पड़ता है। तो इसका जो रिलेशन है यही हम पढ़ते हैं इकोलॉजी में, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंटल साइंस, ठीक है। और कहते हैं इकोलॉजी को पहले वाइकोलॉजी बोला गया, वाइकोलॉजी, ये टर्म दिया था रीटर ने दिया था, और इकोलॉजी टर्म को फर्स्ट बार यूज भी किया हैकेल ने और डिफाइन भी किया हैकेल ने, वही हैकेल जो प्रोटिस्टा टर्म दिए थे, वही हैकेल जो थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिए थे, ओके। तो 8 ब्रांचेज मैंने इस वीडियो में आपको बताया है, अगले ब्रांचेज में हम कोशिश करेंगे कि 12 ब्रांचेस सिमट जाए, तो आपको दो वीडियो में आपको टोटल 20 ब्रांचेज हो जाएगा, कॉमन ब्रांचेज ऑफ नॉलेज। थैंक यू सो मच।